नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसान कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अधिक उपज प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से सरकार स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन पाइपलाइन, इरिगेशन पाइपलाइन पर दे रही है अनुदान। देश के कई भागों में मानसूनी वर्षा का दौर जारी। सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के तालाब वर्षा जल से झूम उठे। स्थानीय निवासी वर्षा को लेकर के हैं उत्साहित, साथ ही बुआई की गतिविधियां हुई तेज। हमारे YouTube चैनल की राय है कि वर्षा से एकत्रित जल के किनारे पर ना करें पिकनिक और मनोरंजन, प्राकृतिक आपदाओं से रहें सावधान। इन दिनों सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह से किसानों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है गुमराह। इस अफवाह पर बाड़मेर के जिला कृषि उप निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है। गूगल एवं अन्य सोशल मीडिया पर एक खबर प्रचारित हो रही है कि प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 के अंतर्गत सभी किसानों को आमदनी दुगने करने के उद्देश्य से 50% अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह बिल्कुल झूठी और भ्रामक सूचना है। इसके संदर्भ में सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए, ऐसी कोई योजना नहीं है। किसी के भी कहने पर, किसी के भी द्वारा बताए जाने पर पत्रावली तैयार करने या रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई पैसा किसी को ट्रांसफ़र नहीं करें, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। और इसी के संदर्भ में आज दैनिक भास्कर में एक समाचार भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ये बिल्कुल झूठी जानकारी है। तो सभी सतर्क रहें, किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लद्दाख को जैविक क्षेत्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य है कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना और किसानों के साथ साथ एंटरप्रेन्योर की आय में वृद्धि करना। इसके लिए एपिडा राज्य के बागवानी उद्यान विभाग DRDO के साथ मिलकर के तैयार कर रहे हैं कार्य की रूपरेखा। अब किसानों को पराली की समस्या से सुपर सीडर मशीन निजात दिलाएगा। सुपर सीडर मशीन पराली में बुवाई करने में है सक्षम। सुपर सीडर मशीन से उत्पादन में वृद्धि होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी और साथ ही जल की होगी बचत। हाइड्रोपोनिक्स जैसी आधुनिक तकनीकी के बाद अब एक्वापोनिक्स फार्मिंग के प्रति किसान उत्साहित हैं। एक्वापोनिक्स एक तकनीक है जिसमें पानी की सतह पर सब्जियां और निचली सतह पर मछली का पालन किया जाता है। एक्वापोनिक्स एक इकोसिस्टम है जिसमें पौधे, मछली, बैक्टीरिया और वर्म्स मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इससे पानी की होती है बचत। इसी तरह की अनेक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।